नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा थापा। आइए डालते हैं एक नज़र उत्तराखंड और यूपी की खबरों पर। आज की बड़ी खबर, लौह पुरुष के नाम से विख्यात, भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक एवं महान स्वतंत्रता सेनानी भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह जी व अन्य वरिष्ठ कांग्रेसियों ने घंटाघर स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। यही नहीं, लौह महिला पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि पर इंदिरा मार्केट में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया गया। तहसील भवन पर दिखे उत्तराखंड की सांस्कृतिक झलक। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला तहसील के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण कर कार्यदायी संस्था पिटकुल के एमडी को गुणवत्ता के साथ समय पर भवन निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने तहसील भवन में उत्तराखंड की संस्कृति की झलक भी दर्शाने को कहा। सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर बोला हमला, कहा सरकार के भ्रष्टाचार को जनता तक ले जाएगी कांग्रेस। उच्च न्यायालय नैनीताल ने मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सीबीआई को मुकदमा दर्ज करने व मामले की जांच करने के आदेश दिए। शुक्रवार को राजपुर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने पत्रकार वार्ता में सरकार पर हल्ला बोला, कहा कि अगर सीएम पाक साफ हैं तो सीबीआई जांच से क्यों घबरा रहे हैं। केंद्र सरकार की अदूरदर्शिता के कारण मजदूर हुए बेरोजगार। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी एटक ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कोरोना काल में उचित कदम न उठा पाने का आरोप लगाया। एटक ने बेरोजगारी का कारण केंद्र सरकार की अदूरदर्शिता को बताया है। शुक्रवार को प्रिंस चौक स्थित अग्रवाल धर्मशाला में एटक की ओर से वर्तमान संकट और मजदूर वर्ग की चुनौतियां विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। राज्यपाल और सीएम बोले, महर्षि वाल्मीकि की शिक्षा आज ज्यादा प्रासंगिक। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि महर्षि वाल्मीकि की शिक्षा आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण जैसे महाकाव्य की रचना कर समाज को प्रेम, त्याग और मानवता जैसे नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मैं आकांक्षा थापा आपसे विदा लेती हूँ। जाने से पहले याद रखें, कोरोना काल में अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में काढ़ा और हल्दी वाला दूध काफ़ी लाभदायक है। इनका सेवन करें और सुरक्षित रहें। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। धन्यवाद।